सुप्रभात छात्रों, आज हम व्यावहारिक हिंदी अंतर्गत पाठ क्रमांक 16 और इसका शीर्षक है मैं उद्घोषक और इसके लेखक है आनंद सिंह जी। देखिए, हम लेखक का परिचय सुनते हैं। लेखक का नाम है आनंद प्रकाश सिंह जी। इनका जन्म 21 जुलाई 1958 को असम राज्य के धुबरी नामक गांव में हुआ है। वे एक सफल लेखक के साथ साथ श्रेष्ठ उद्घोषक तथा प्रभावी मंच संचालक के रूप में प्रसिद्ध हैं। आपकी कविताएं, नाटक, लेख, फिल्म, कला समीक्षा के कारण हिंदी जगत में आपका विशेष स्थान है। उद्घोषक के रूप में आकाशवाणी मुंबई में 29 वर्ष की सेवा ने आपको घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। आकाशवाणी संवाद लेखन के कारण संप्रेषण क्षेत्र में भी आपकी अलग पहचान है। हिंदी के विविध पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न समसामयिक विषयों पर आपका लेखन प्रकाशित हो चुका है। देखिए, इनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार है। पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न विषयों पर लेख, समीक्षाएं, कहानियां, कविताएं आदि प्रकाशित है। देखिए, विधा का परिचय देखिए। साहित्य का प्रकार, आत्मकथा लेखन हिंदी साहित्य में रोचक और पठनीय लेखन माना जाता है। आपने अनुभव, व्यक्तिगत प्रसंगों को पूरी सच्चाई से बताना आत्मकथा की पहली शर्त है। इसमें लेखक तटस्थता, घटनाओं के प्रति निरपेक्षता का निर्वाह आत्मकथा को विश्वसनीय बना देता है। आत्मकथा में इस उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में लिखना आवश्यक है। पाठ का परिचय देखिए। यह सूत्र संचालन की प्रस्तुति आत्मकथा के रूप में की गई है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने सफल उद्घोषक अथवा मंच संचालक बनने के लिए आवश्यक गुणों का उल्लेख किया है। लेखक का मानना है कि कार्यक्रम की सफलता मंच संचालक के आकर्षक और उत्तम संचालन पर निर्भर करती है। संचालक की सूझबूझ, समय सूचकता, हाजिर जवाबी और भाषा प्रभुत्व समारोह को नए आयाम प्रदान करते हैं। वर्तमान काल में मंच अथवा सूत्र संचालन कार्य आप में महत्वपूर्ण कार्य रूप में प्रसिद्ध हो गया है। देखिए, कुछ नए शब्द इस प्रकार हैं। देखिए, अतिथि शब्द का इसका मतलब है मेहमान। अनुभव होना यानी एहसास होना। अनुसार यानी इनके अनुरूप, मुताबिक। अपेक्षित यानी अपेक्षा के अनुसार। अहम यानी महत्वपूर्ण। आत्मविश्वास यानी खुद पर भरोसा होना, उसे कहते हैं हम आत्मविश्वास। आधार स्तंभ यानी नींव का जो पत्थर है उसे हम क्या करते हैं, आधार स्तंभ। आयोजक यानी आयोजन करने वाला। आयोजन का मतलब है प्रबंध करना, और आयोजक का मतलब है कार्यक्रम का जो आयोजन करने वाला होता है उसे हम आयोजक कहते हैं। आरंभिक यानी शुरुआती। आलंकारिक यानी चमत्कार पूर्ण। आवश्यक होना यानी जरूरी होना। आवेदन करना यानी निवेदन करना, प्रार्थना करना। उत्साहवर्धन यानी उत्साह बढ़ाना। उद्घोषक किसी सूचना की घोषणा करने वाला संचालन, उसे हम उद्घोषक कहते हैं। सूत्र संचालक कहते हैं, अंग्रेजी में हम उसे अनाउंसर कहते हैं, एंकर कहते हैं। कार्यक्रम को हम हिंदी में समारोह कहते हैं। कुशल यानी निपुण, योग्य, परिपूर्ण। केश सज्जा यानी बालों की जिस सजावट हम करते उसे कहते हैं केश सज्जा। गरिमा होने यानी गौरव करना। गरिमामय यानी गरिमा युक्त। देखिए, गर्व, गर्व का मतलब है अभिमान होना। गहराई यानी घेरापन। गौरवान्वित यानी सम्मानित। देखिए, ज्ञाता यानी जानकार। जिज्ञास भरा यानी उत्सुकता से भरा। तुलना यानी मिलान। और नामचीन यानी प्रसिद्ध, नाम वाला। निरंतर यानी लगातार। निर्भर यानी अवलंबित, आश्रित। निष्ठा, गहरा विश्वास होना, उसे हम निष्ठा कहते हैं। परमाणु यानी
परमाणु विज्ञान यानी परमाणु नियमों से संबंधित विज्ञान, परिधान यानी कपड़ा, यानी प्रख्यात यानी मशहूर, फेमस हम कहते हैं उसे अंग्रेजी में, प्रभावशाली होना, असरदार होना, प्रशंसक यानी तारीफ करने वाला, प्रशंसा यानी तारीफ और प्रसंगानुरूप यानी घटना के अनुसार। देखिए पाठ का जो सारांश है वो इस प्रकार का है। देखिए उद्घोषक की सफलता, उद्घोषक को हम हिंदी में सूत्र संचालक कहते हैं, मंच संचालक कहते हैं, अंग्रेजी में हम उसे अनाउंसर कहते हैं, एंकर कहते हैं। देखिए उद्घोषक की सफलता क्या है, उद्घोषक यानी एंकर, उद्घोषक यानी मंच संचालक, सूत्र संचालक। देखिए लेखक एक सफल उद्घोषक है, उनका नाम उस क्षेत्र में है, इसे ही मंच संचालक या सूत्र संचालक कहते हैं। देखिए लेखक एक सफल उद्घोषक है, उसका नाम भी है उस क्षेत्र में, और इसे ही मंच संचालक या सूत्र संचालक कहते हैं जो लेखक ने काम किया है। देखिए उद्घोषक वक्ता और श्रोता का जोड़ने का काम करता है। देखिए उद्घोषक क्या करता है, वक्ता जो बोलने वाला है और श्रोता जो सुनने वाला है, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, उद्घोषक करता है। देखिए जब कोई बड़ी हस्ती आपकी स्तुति करते हुए शाबाशी देती है तब उद्घोषक के रूप में सफलता के कारण लेखक को गर्व महसूस होता है। देखिए पंडित भीमसेन जोशी ने लेखक को नवाजा था। देखिए पंडित भीमसेन जोशी का नाम आपने सुना होगा, इतनी बड़ी हस्ती है, उन्होंने भी लेखक का, आनंद सिंह जी का गौरव किया है। देखिए प्रारंभ के दिन कैसे थे, देखिए आज लेखक एक सफल उद्घोषक है, परंतु प्रारंभ के दिनों में, शुरुआत के दिनों में वे मंच पर जाने समय वो घबराते थे। नवी कक्षा में गांधी जयंती विषय पर भाषण देते समय उनकी हालत बुरी हो गई थी। देखिए कि नवी कक्षा में गांधी जयंती विषय पर भाषण देते समय वो भाषण भूल गए थे। बाद में उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को याद किया जो भी शुरुआत में ही दोषयुक्त थे। देखिए बाद में प्रयास करते, हर दिन वो प्रयास करते रहे और कुछ दिनों के बाद वो एक कुशल वक्ता बने, जिससे लेखक की घबराहट दूर हो गई और उन्होंने हिम्मत से भाषण दिया और आगे चलकर वे सफल सूत्र संचालक बने। देखिए खुद के बारे में वो कहते हैं कि उन्होंने जो अनुभव पाया है वो दूसरों को देने का प्रयास लेखक आनंद सिंह जी ने किया है। इसलिए उनके वो कहते हैं कि सूत्र संचालन क्या है, सूत्र संचालन के लिए किन गुणों की आवश्यकता है, सूत्र संचालन के प्रकार कौन से हैं। तो देखिए सूत्र संचालन के प्रकार कौन से हैं, देखिए पहला जो प्रकार है वो है शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन। देखिए इसमें प्रोटोकॉल का ध्यान रखना जरूरी होता है, पदों के अनुसार नामों की सूची बनाना, किसके हाथों किसका सत्कार ये ध्यान में लगा लेना होता है। देखिए जब शासकीय तथा राजनीतिक कार्यक्रम होता है तो कार्यक्रम में मेहमान कौन आने वाले हैं, कोई अधिकारी जो लोग हैं कौन आने वाले हैं, उनके नाम की सूची उनके पास होने की आवश्यकता है। इसके साथ ही सत्कार का जो कार्यक्रम है, पुष्पगुच्छ देकर किसका सत्कार करना है, किसके हाथ से किसका सत्कार करना है, इसके बारे में जो सूची है वो भी उद्घोषक के पास होने की आवश्यकता है। देखिए इसमें अलंकारिक भाषा के अलावा सरल सीधा वक्तव्य जरूरी होता है। देखिए उद्घोषक क्या करता है, श्रोता और वक्ता को जोड़ने का काम करता है, लेकिन उसकी भाषा सरल सीधी सादी होनी चाहिए और उनका वक्तव्य भी सादा सरल सीधा वक्तव्य जरूरी होता है, क्योंकि अलंकारिक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है तो लोगों के समझ में नहीं आता है, इसलिए सीधे साधे शब्दों का इस्तेमाल करना जरूरी है। दूसरा जो प्रकार है वो इस प्रकार है कि दूरदर्शन तथा रेडियो कार्यक्रम का सूत्र संचालन। देखिए दूरदर्शन या रेडियो के कार्यक्रम का सूत्र संचालन करते समय कार्यक्रम की संहिता लिखकर पहले तैयारी करनी चाहिए, उसके बाद कार्यक्रम का प्रसारण करना चाहिए। सूत्र संचालक कार्यक्रम में निखार लाने का काम करता है। कार्यक्रम किस प्रकार का है उस पर आधारित भाषा और शैली में परिवर्तन किया जाता है।
तीसरा जो प्रकार है वो है मंच संचालन करना। यानी आजकल जो हम देखते हैं कि संगीत संध्या का कार्यक्रम होता है, बर्थडे पार्टी का कार्यक्रम होता है, अन्य इन जैसे मंचीय कार्यक्रमों में भी मंच संचालन आवश्यक हुआ है। आज के दिन की वो जरूरत है। देखिए, इस प्रकार के कार्यक्रम की सफलता सूत्र संचालक के हाथ में होती है। हंसमुख, हजर जवाबी, विविध भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है। देखिए, सूत्र संचालन के लिए आवश्यक गुण कौन कौन से हैं? लेखक आनंद सिंह जी बताते हैं कि सूत्र संचालक के लिए मिलनसार होना, यानी दूसरों को एक साथ जोड़ने का काम करना है, दूसरों के विचार एक साथ लाने का प्रयास करना है, यानी मिलनसार होना आवश्यक है। भाषा का प्रभुत्व होना जरूरी है, हंसमुख होना जरूरी है, हजर जवाबी तथा विविध विषयों का ज्ञान भी होना आवश्यक है, बहुश्रुतता, विविध किताबें पत्रिकाओं का वाचन और प्रभावी सादरीकरण, ये गुण जरूरी होते हैं। देखिए, ये हो गए सूत्र संचालक के गुण, लेकिन कौन सी सावधानियाँ बरतनी होगी? देखिए, सूत्र संचालक के प्रस्तुतिकरण पर ही कार्यक्रम की सफलता निर्धारित होती है। देखिए, मंचीय आयोजन के मंच पर आने वाला पहला व्यक्ति उद्घोषक होता है, मंच संचालक होता है। अतएव उसकी जो वेशभूषा है, केश सज्जा है, उसका आत्मविश्वास है, उसका सहज प्रकटीकरण है, ये बातें भी महत्वपूर्ण होती है। इन सब का सावधानी से विचार करना चाहिए। देखिए, कार्यक्रम में ऐन वक्त पर परिवर्तन होने की संभावना होती है। कभी पूर्व निर्धारित अतिथि आते नहीं हैं, तो कभी अतिथि की व्यस्तता के कारण भाषण में बदलाव करना पड़ता है। ऐन वक्त पर होने वाले बदलाव में सूत्र संचालक के प्रसंगावधान की परीक्षा होती है और इन्हें ध्यान में लेकर सावधानियां बरतनी पड़ती है। देखिए, सूत्र संचालन की गरिमा कैसी होती है? देखिए, कार्यक्रम में प्रसंगानुरूप रोचक दृष्टांत, शेर शायरी, कविता की पंक्तियाँ, किसी महान व्यक्ति का उद्धरण, कोई विनोदी चुटकुला या कोई विशेष याद कार्यक्रम की रोचकता तथा गरिमा बढ़ाने का काम करते हैं। देखिए, लेखक के साथ घटित हुए ऐसे प्रसंगानुरूप प्रभावी प्रस्तुतिकरण के कारण अनेकों ने उनकी पीठ थपथपाई है, उनका गौरव किया है। देखिए, वो कहते हैं कि वाचन का महत्व आवश्यक है। देखिए, उद्घोषक का काम है कृत्रिमता से नहीं होता है, बल्कि इसके लिए निरंतर वाचन करने की आवश्यकता है। लेखक भी बचपन से नियमित वाचनालय जाते थे, चंपक, बाल भारती, नंदन, चंदा मामा से लेकर धर्मयुग, हिंदुस्तान, दीनमान, सारिका, कादम्बिनी जैसे अनेक मासिक, पाक्षिक पत्रिकाएं पढ़ना, रेडियो के विविध कार्यक्रम सुनना उन्हें बेहद पसंद था। इसी कारण आगे चलकर वे एक सफल उद्घोषक बने हैं। और वो खुद सफल उद्घोषक है ही, लेकिन वो दूसरों को भी प्रेरणा दे रहे हैं। इस क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिए ये दीपस्तंभ का काम कर रहे हैं, वो प्रेरणा स्थान का काम कर रहे हैं, वो हमेशा दूसरों को प्रेरणा देने का काम करते हैं। देखिए, आकाशवाणी के उद्घोषक, उनको क्या करना है? देखिए, लगभग 29 वर्ष तक रेडियो उद्घोषक का काम करने वाले लेखक अपना नाम कमा चुके हैं। शब्दों की दुनिया में रहकर वे घर घर तक पहुंच गए हैं। पूरी निष्ठा के साथ यह काम करने का नतीजा यह हुआ कि उन्हें अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुए। किंग ऑफ वॉइस, संस्कृति शिरोमणि, हकील आकाशवाणी जैसे अनेक पुरस्कारों से उनको नवाजा गया है। देखिए, रोजगार के अवसर, इस क्षेत्र में रोजगार की भी काफ़ी संभावनाएं हैं। मंचीय उद्घोषक, रेडियो उद्घोषक, टीवी उद्घोषक या अन्य व्यावसायिक कार्यक्रमों में मंचीय संचालन की नौकरी मिल सकती है, यानी रोजगार का अवसर मिल सकता है। भाषा का विद्यार्थी कभी बेकार नहीं रहता है। अगर वह सचमुच भाषा प्रभु है, शब्द प्रभु है, तो भाषा की शुद्धता, शब्दों का चयन, उनका उचित प्रयोग, प्रख्यात साहित्यकार का कथन,
इन सब से व्यक्ति एक सफल उद्घोषक के रूप में नाम और दाम कमा सकता है। देखिए आगे कुछ नए शब्द इस प्रकार के हैं। देखिए प्रसारित हो रहा है यानी प्रसारण करना, देखिए प्रसिद्ध होना यानी मशहूर होना, प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन हम अंग्रेजी में कहते हैं यानी हिंदी में प्रस्तुति, प्रांगण का मतलब है आंगन, प्रेरणादायक यानी प्रेरणा देने वाला, फर्क यानी अंतर डिफरेंस कहते हैं हम अंग्रेजी में। देखिए बोझिल यानी घुटनों से भरा, आलसी, देखिए भौतिकी विज्ञान यानी प्राकृतिक नियमों के सिद्धांतों का विज्ञान उसे हम भौतिकी विज्ञान कहते हैं, मिलनसार यानी सबसे मिलजुल रखने वाला, मुशायरा यानी कवि सम्मेलन, राजनीतिक यानी राजनीति से संबंधित, रोचकता रोचक होने की अवस्था, रोजगार यानी काम, वक्ता बोलने वाला, वाचनालय पुस्तकालय, वेशभूषा यानी पोशाक तथा पहनावा, वैचारिक यानी विचार संबंधी, व्याख्यान यानी बातचीत, शासकीय यानी सरकारी, शुद्धता यानी स्पष्टता, शुरुआत करना यानी प्रारंभ करना, श्रोता यानी सुनने वाला, संचालक यानी संचालन करने वाला, संदर्भ में यानी इसी विषय में, संक्षेप यानी थोड़ी सी कोई बात कहना, संभावना यानी आशंका मुमकिन होना, संशोधन करना यानी सुधारना, संहिता यानी नियमों विधियों आदि का संग्रह करना, संहिता यानी नियमों विधियों आदि का संग्रह, सटीक यानी बिल्कुल ठीक, सतर्कता यानी सावधानी बरसना, सफलतापूर्वक यानी सफलता के साथ, समयानुकूल यानी समय के अनुसार, समाप्त करना खत्म करना, समृद्ध संपन्न भरा पूरा, सम्मानित करना जिसका सम्मान किया गया हो, सहजता यानी सरलता, सांस्कृतिक संस्कृति से संबंध रखने वाला, सूची यानी अनुक्रम, सेतु यानी पुल, देखिए स्नेह यानी प्रेम, हसमुख यानी हंसते चेहरे वाला, और हाजिर जवाबी तुरंत जवाब देने वाला, हास्य प्रसंग हंसने वाली घटना होती है, हिम्मत यानी साहस, हृदय स्पर्शी यानी दिल को छू लेने वाला। ठीक है, आज के दिन ही हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।